नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। अब देखो, एल्गी का जो सेल स्ट्रक्चर है, जो कोशिका की संरचना है एल्गी की, वो दो प्रकार की अपने पास है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में जो एल्गी है वो एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है और दूसरी यूकैरियोटिक एल्गी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो तरह की ही सेल स्ट्रक्चर होंगी, एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होंगी और दूसरी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिज्म जो है या कोशिका का ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर देखें तो शैवाल दो प्रकार के हो गए, एक प्रोकैरियोटिक शैवाल, दूसरे यूकैरियोटिक शैवाल। ठीक है, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एल्गल सेल में बी फॉलोइंग टाइप में बी फॉलोइंग टाइप दो तरह की हो सकती है। नंबर एक जो हो सकती है वो हो सकती है प्रोकैरियोटिक, और जो दूसरी हो सकती है वो हो सकती है आपकी कौन सी, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल के ही जो है लक्षण या गुण होंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें यूकैरियोटिक के ही लक्षण या गुण होंगे। ठीक है, अब हमें यह पता है कि जिस तरह के कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उसी प्रकार के कैरेक्टर हमारी एल्गी सेल जो है शो करेगी। ठीक है, और जिस तरह के कैरेक्टर एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उसी तरह के जो कैरेक्टर है वो हमारी जो है क्या नाम इसका, यूकैरियोटिक सेल वो शो करेगी। ठीक है, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो किस तरह की है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल, अब देखो, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, सबसे पहले हम उन्हीं की ही बात करेंगे, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको, डायग्राम को थोड़ा सा काट लेते हैं यहाँ से और थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इस साइड में हम यहाँ पर, ताकि नाम वाम जो हमें लिखने हैं वो हम आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो ये हमारी एक सेल हो गई कोशिका। ठीक है, इस तरह से कोशिका हम बना लेंगे। ये सिंगल सेल हमारी ये इस तरीके से हो गई, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं, कोशिका अकेली हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या जो कोशिका बना रहे हैं वो एक सिंगल सेल बना रहे हैं। ठीक है, कभी कभार ये दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक स्ट्रिंग या एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, तो हमने वैसे ही अपीयरेंस यहाँ पर दिया है इनका। सबसे पहले हम मेन मेन जो चीज़ें हैं वो बना लेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरह से इसमें कुछ थायरोकोर जो है वो पड़ी रहती है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम वो सारी क्या है, थायरोकोर्स है। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो पड़ा रहता है, तो हम इसको न्यूक्लियर मटेरियल को इस तरह से बना देंगे। ठीक है, कुछ और भी धानियाँ वगैरह होती है तो उनको भी हम बना देते हैं इस तरह से, है ना, डॉट डॉट में हम दूसरी चीज़ें बना देते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ और। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो, बस इतना सा ही इसके अंदर जो है सेलुलर मटेरियल होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगी इसकी क्या, सेल वॉल। ठीक है, ये तो क्या हो गई, सेल वॉल। अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसकी आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है दिख रहा है, ओके ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोइड, इसे क्या कहा जाएगा न्यूक्लियोइड, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें क्या पाया जाता है न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ये आवृत नहीं होता है, आवृत मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, विदाउट मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं इस तरह की स्ट्रक्चर जो ग्रीन ग्रीन कलर की, इसके ऊपर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है फोटोसिंथेटिक लैमेलिन, ठीक है। तो ये मेरे पीछे छुप जाएगी इसलिए मैं इस साइड में इसका नाम लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ना नीचे आ जाएगा। ये सब ग्रीन कलर की जितनी भी हैं ये सब क्या है, फोटो सिंथेटिक लैमेलिन है, ठीक है, ये सब फोटो सिंथेटिक लैमेलिन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरह की स्ट्रक्चर, ये है राइबोसोम। तो ये और भी होते हैं यहाँ पर, और बना देते हैं, ठीक है, राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है ये पीले कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम है सारे जो भी हैं, ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर ऐसे डॉट डॉट में ऐसे बनाना चाहिए। तो ये सब पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही, तो इसे बोलते हैं हम क्या, राइबोसोम, ठीक है जी। ये राइबोसोम हो गए। अब क्या बची है इसके अंदर, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ आ गई है। ये जो अंदर की तरफ में जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया आपका क्या, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो हमने एक पीले पीले सी स्ट्रक्चर बनाई है इसको बोला जाता है कार्बोक्सीसोम, क्या बोला जाता है, कार्बोक्सी जोम या कार्बोक्सीसोम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक शैवाल के अंदर, मतलब जो प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं उनके अंदर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें कि ये जो शैवाल होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो ये आते हैं साइनोफाइसी में। जो साइनोफाइसी क्लास होगी उस आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, साइनोफाइसी क्लास के अंदर ये जितने भी शैवाल हैं प्रोकैरियोटिक वो सारे आते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ना ही कोई भी यहाँ पर आपको ऐसा सेल ऑर्गेन दिखेगा जिसके पास में मेम्ब्रेन हो, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो सब विदाउट सेल मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, मतलब उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है यहाँ पर, प्लास्टिड नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो है फोटोसिंथेटिक लेमिन है और राइबोसोम है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप के हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको न्यूक्लियस ना बोलकर न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेटिक लेमिन प्लास्टिड नहीं है, जो फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, कभी कभी इसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, हालांकि कभी नहीं भी हो सकते, कभी होते हैं, ठीक है। तो गैस वैक्यूल यहाँ पर हो सकते हैं, तो चलो वो गैस वैक्यूल भी हम ये बना देते हैं इसके अंदर, ताकि आपको पता रहे कि गैस वैक्यूल भी होते हैं, ठीक है। तो गैस वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है, ये वैसे ही डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इनमें जो डिवीजन होता है वो अमाइटोसिस के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। ये इनकी जो सेल वाल होती है वो सेल वाल यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, जैसे सेल वाल तो सेवालों के अंदर वैसे सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वाल है, जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है, इनके अंदर जो सेल वाल है वो किसकी बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड की या म्यूरिन की। म्यूकोपेप्टाइड को क्या बोलते हैं, म्यूरिन, मतलब जिस तरह से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है ना, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है, कुल मिलाकर बात हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लिख देते हैं, मैंने आपको एक एक बारे में जानकारी दे दी है, फिर भी कुछ बचेगा तो हम वापस दोबारा से दिमाग में आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, साइनोफाइसी में। ये जितने भी शैवाल हैं, दिस टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन साइनोफाइसी, इसमें पाई जाती है, साइनोफाइसी में पाई जाती है। दूसरी बात, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इन दिस
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है ना। और यहाँ जो न्यूक्लियस होता है उसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोइड। तो ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, या किसी भी प्रकार का प्लास्टिड आ गया, जितने भी प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, वो सब प्लास्टिड, ठीक है, वो क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, आर एब्सेंट। क्या होते हैं ये? एब्सेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस किससे होता है? तो प्लास्टिक की जगह फोटोसिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर क्या होती है? लेमिली होती है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ, इसको बोला जाता है, इसकी जगह इंस्टीड ऑफ प्लास्टिड फोटो सिंथेटिक लेमेली, फोटो सिंथेटिक लेमेली आर प्रेजेंट, ठीक है। फोटो सिंथेटिक लेमेली क्या होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिंथेटिक लेमेली आर प्रेजेंट, विच हेल्प इन फोटो सिंथेसिस, विच हेल्प इन फोटो सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो राइबोसोम की, यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट, ठीक है। 70S टाइप के राइबोसोम यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि गैस वैक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, तो ये भी लिख देते हैं हम, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम बोलते हैं रसधानियाँ, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। ये माइटोसिस इनके अंदर नहीं होता है ना, दे डू नॉट डिवाइड बाई माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस इनमें नहीं होता है। इसकी जगह पर क्या होता है? ए माइटोसिस होता है, ठीक है, असूत्री विभाजन जिसे बोला जाता है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। दूसरी बात करें हम कि इनके अंदर जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बजाय किसकी बनी होती है? म्यूरिन की बनी होती है या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। यहाँ लिख दें, द सेल वाल मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की, ठीक है। और ये जो म्यूकोपेप्टाइड है इसे कहा जाता है म्यूरिन। क्या कहा जाता है? म्यूरिन, MURIN, म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन कहा जाता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोक्सीसोम भी पाया जाता है, जैसा कि हमने लास्ट में एक छोटा सा गोलाकार संरचना बनाई थी, याद हो तो आपको, एक बार देख लेते हैं हम, ये वाली संरचना पीले कलर की, इसे बोला जाता है कार्बोक्सीसोम। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सीसोम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इन सम एल्गी कार्बोक्सीसोम आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो भाई इसका एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा हम ध्यान रख लेंगे, इसका मेन एग्जाम्पल है यहाँ पर बीजीए, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसका मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये इसके अंदर आता है, साइनोबैक्टीरिया ही साइनोफाइसी के अंदर आता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए इसका। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की, कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा आ जाएगा नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पर, यूकैरियोटिक एल्गल सेल स्ट्रक्चर नंबर 2।
यूकेरियोटिक एल्गल सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो अभी हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे और फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और इसको कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका, किसका, यूकेरियोटिक सेल का। तो देखो ये डायग्राम जो है आपको इस तरह का बनाना है इसके अंदर। ठीक है, और इसको आप बना लो डबल। इस तरीके से हमें ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए अब देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं फ्लेजिला। बाहर आप देखोगे तो इसके दो फ्लेजिला होते हैं, मतलब फ्लेजिला भी पाए जाते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें लिखेंगे हम जो सभी शैवालों के अंदर पाई जाती है ना, जितनी भी स्ट्रक्चर जो है शैवालों के अंदर पाई जाती है वो सारी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम बनाएंगे एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर कप शेप में। ठीक है, थोड़ा सा इसको काटेंगे, कप जैसा नहीं बनाएं, इसको हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ये आपका पाइरेनोइड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होगी इसको बोलेंगे हम पाइरेनोइड। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ वो आपको उसी हिसाब से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो जाएगी क्या, पाइरेनोइड। नाम भी लिखते चलते अपन, ये तो हो गया आपका क्या, फ्लेजेला। सबसे पहले आगे नंबर एक, दूसरे में आ गया आपका ये सेल वॉल। जब अंदर बाहर से अंदर आएंगे तो दूसरे नंबर पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर सेल वॉल। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा साइटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बार इसको हम डिलीट मार लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं और इसकी जगह पर हम वापस से ग्रीन कलर की लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में अंदर क्या होगा, यहाँ अंदर की साइड में मिलेगा हमें क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चलेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा भाई, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ मिलेगी। अंदर चलेंगे हम इसके अंदर तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये क्लोरोप्लास्ट। पर उससे पहले हमें एक चित्र बनाने रहा है यहाँ पर इसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया, इसमें न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा इसको इधर साइड से काट लेते हैं और यहाँ पर हम, सॉरी यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का ही होता है ना। वो तो मैं थोड़ा सा शेप में लेने के चक्कर में इसको ना बनाया नहीं मैंने, इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे। ये लीजिएगा ना, तो ये इस तरह से आप बना सकते हो इसको। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका ना, ये सॉरी साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना है साइटोप्लाज्म जो है यहाँ से ही है अपना, ये अंदर की तरफ में ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का हो गया। ठीक है, अब यहाँ बना देते हैं हम न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को हम दूसरा ये बनाते हैं अपन इस तरह से ना, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये क्रोमेटिन भरा हुआ है इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, क्लियर। न्यूक्लियस के साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए क्या, ईआर और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हम इधर भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमें क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, है ना। और एक होती है ER, मतलब
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, ये तो कौन सी है, RER, और एक होती है इसमें SER, दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये भी गोल्जी बॉडी। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी पाई जाती है यहाँ। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जो रेड कलर की होती है, इसको रेड कलर में बना देते हैं हम, और इसके आसपास इस तरह की संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है आई स्पॉट। क्या बोला जाता है, आई स्पॉट। तो ये है आपका आई स्पॉट। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये मैंने अलग कलर से इसीलिए लिखा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया यहाँ पर, है ना, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है, पायरेनोइड पाया जाता है। तो इसका नाम भी लिख देते हैं हम, इसका नाम है पायरेनोइड। ये एक एक सेल ऑर्गेनेल को हमें पढ़ना है अलग से। ठीक है, पायरेनोइड के अंदर यहाँ पर जो है स्टार्च पाया जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम स्टार्च प्लेट। क्या पाया जाता है, स्टार्च। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर स्टार्च प्लेट। अब क्या बच गया हमारे पास में, लगभग सारी चीज़ आ गई, इसको नाम नहीं दिया हमने। ये पूरी जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ग्रीन कलर की, इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये कहलाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। यहाँ क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है थाइलेकोइड। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इनको, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बना दी यहाँ पर। ये इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट डायग्राम जो है वो हो गया। ठीक है, थाइलेकोइड हो गया हमारा, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस वगैरह सारी चीज़ इसके अंदर आ गई है। ठीक है, कुछ इसके अंदर जो है यहाँ जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, एक वॉल्यूटून ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं बनाओ तो इतना बना दिया आपने डायग्राम का, आपको कंप्लीट जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बनानी है किसके अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर, समझ में आए। अब जो यूकेरियोटिक सेल है वो किस में पाई जाती है, तो जितने भी मेंबर बच गए हमारे, किसके अलावा, साइनोफाइसी के अलावा जितने भी बच गए, उन सब में क्या पाया जाता है, आपका यूकेरियोटिक सेल पाया जाता है। अब ये जो यूकेरियोटिक सेल है एल्गी वाली, इनमें जो सेल वाल होती है उसमें तो किसकी थी, म्यूकोपेप्टाइड की। यहाँ पर जो है सेल वाल वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, या सेलुलोज के मिक्सचर की बनी हुई होती है, उसमें और भी सेलुलोज के अलावा पेक्टिन पाया जा सकता है, हेमी सेलुलोज पाया जा सकता है, और दूसरी चीज़ें पाई जा सकती है। ठीक है, सेल वाल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से निकले होते हैं फ्लेजिला। ठीक है, और जो फ्लेजिला होते हैं वो इसका मूवमेंट कराने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिजर्व फूड जो है, फूड उसको रिजर्व करने के लिए चैम्बर होते हैं, मतलब जैसे कि पायरेनोइड है, ये रिजर्व फूड ही है इसका एक तरीके से। ठीक है, फ्लेजिला होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड की बात करें हम, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, तो राइबोसोम जो है इसके अंदर वो कौन से पाए जाएंगे, 70S, 80S, दोनों ही प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर पाए जाएंगे। वैक्यूल भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेवालों के अंदर जो है पैक्टिन, पैक्टिन प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ वो रिश्ता रहता है, बाहर की तरफ जाता रहता है, और यहाँ पर एक म्यूसिलेजिनस लेयर का फॉर्मेशन करता है। बाहर की तरफ में जब वो निकलता है तो एक म्यूसिलेज, म्यूसिलेज समझ रहे हो ना आप, म्यूसिलेज का मतलब है कि ऐसे लसलसा सा पदार्थ जो है वो स्रावित करता है। देखो इसको बना देते हैं अपन एक बार, यहाँ पर म्यूसिलेजिनस लेयर को ये इस तरह से थोड़ा सा, और क्या चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये गड़बड़ हो गया, अब इसको कैसे रिवर्स करें, अच्छा अंडू का ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, ये तो इरेजर का इलाइन हो गया। देखो अभी ये वाला जो है ना, ये नहीं लेंगे अपन, ये वाला लेंगे, ये वाले में हम ये वाली लाइन लेंगे। ये देखो ये ना सही से नहीं बन पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये ऐसे म्यूसिलेजिनस जो है स्ट्रक्चर, वो मतलब लसलसा सा पदार्थ जो है ना बाहर की तरफ में स्रावित कर देता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वैसे लसलसी सी हमें नजर आते हैं। तो जब हम एल्गी को छूते हैं, ठीक
आगे से, मतलब उसको पकड़ के ऐसे हाथ लगाते हैं तो हमें लस लसी सी वो नजर आती है, कुल मिलाकर बात है वो म्यूसिलेजिनस पदार्थ जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉलोनी को सूखने से बचाता है, जो कॉलोनी होती है ना उसको सूखने से बचाने का काम इसका ही होता है, इसका म्यूसिलेजिनस लेयर का। इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, अपना डायग्राम बिगड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि अपन बिना म्यूसिलेजिनस लेयर के ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? वैसे चाहे तो अपन डॉट डॉट में बना सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा दो कि म्यूसिलेजिनस लेयर इसकी बन रही है यहाँ पर, या आसपास क्या है इसके म्यूसिलेजिनस लेयर बनी हुई है। ठीक है, लसलसा सा एक पदार्थ है जो इसके आसपास फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, जो जू स्पोर या गेमिट होते हैं ना, वो उनमें जो सेल वाल होती है वो एब्सेंट होती है, जो गेमिट होते हैं उनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर सेल वाल प्रेजेंट होगी तो वो आपस में फ्यूजन नहीं करेंगे, मतलब सेल वाल नहीं होती कुल मिलाकर बात है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पाई जाती है, तो इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी तो मैंने आपका डायग्राम बना दिया है, अभी मैं थोड़ी बात जानकारी जो भी मैंने बोला है वो सारी चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लो, फिर एक एक करके हम जैसे फ्लेजिला को पढ़ेंगे, सेल वाल को पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, कैसा होता है, ए आर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, उन सारों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मेन है इसका, क्लोरोप्लास्ट है, फ्लेजिला है, ठीक है, आई स्पॉट है, पायरेनोइड है, इनको पढ़ना हमारा जरूरी है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में और जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको तो हम पढ़ेंगे, ऐसे उनको तो हम पढ़ सकते हैं ना, उनको तो हम पढ़ते भी हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एल्गी में जो पाई जाती है विशेष चीज़ें, देखो विशेष चीज़ें एल्गी में पाई जाने वाली क्या है, एक तो ये आपका आई स्पॉट हो गया, ठीक है, दूसरा आपका हो गया ये पायरेनोइड, और तीसरा हो गया यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल, और एक फ्लैजिला नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। मुख्य चीज़ें हैं ये, इनको हमें पढ़ना जरूरी है, हम पता होना चाहिए कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है ये, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए तो एक एक करके हम देख लेते हैं कहानी को, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल में हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो जो सवाल है हमारा एलगी, उनमें जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की या कुछ मिक्सचर वाले पदार्थों की बनी हुई होती है ना। यहाँ से हम शुरू कर देते हैं इसको लिखना, अच्छा ये गलत हो गया, बारीक लिखना है अपने को, लाइन पतली कर देते हैं। देखो द मेंबर ऑफ एल्गी, जितने भी एल्गी हैं, हैव ए वाल, ठीक है, सभी में क्या होती है, वाल होती है, सेल वाल होती है, जो कि हैव ए वाल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और इसी के साथ इसमें कुछ अदर मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं, मिक्सचर होता है एंड सर्टेन अदर मिक्सचर। ठीक है, अंदर चले हम सेल वाल के तो हमें मिलता है साइटोप्लाज्म, फ्लेजिला वगैरह, इनसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म, एक तो क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा होता है फ्लेजिला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिजर्व फूड, रिजर्व फूड, ठीक है, क्रोमेटोफोर, क्रो मेटोफोर, ठीक है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, एटसेट्रा आर फाउंड, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कुछ शैवालों में पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है,
ठीक है, सभी में नहीं होता, कुछ में होता है। इनफेव एल्गी पैक्टिन इज प्रेजेंट, पैक्टिन इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल वॉल में, ध्यान रखना। पैक्टिन इज प्रेजेंट विच हेल्प, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेज। क्या बनाएगा ये? म्यूसिलेज बनाएगा, ठीक है। ये म्यूसिलेज क्या काम करेगा? तो इट हेल्प एल्गी इन इन डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनी, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कॉलोनी एंड सिनोबिया, ठीक है। सिनोबिया और कॉलोनी में अंतर हमने पढ़ ही लिया था, ठीक। तो कॉलोनी और सिनोबिया के डेवलपमेंट में क्या करता है? ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है यहाँ पर? इसको सूखने से बचाता है, ठीक है, सिनोबिया, एंड प्रिवेंट प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है ना, सूखने से बचाता है। दूसरी बात हम करें तो यहाँ पर जो जू स्पोर होते हैं, ठीक है, जू स्पोर, द जू स्पोर एंड गैमेट्स, इनमें क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती है, गैमेट्स लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और इतना हमें लिखना है, इसके बाद में हमें पूरा वर्णन करना है आगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम। द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर फाउंड इन एल्गल सेल, ठीक है। अब हम इसमें से एक एक जो हमारे हैं उनका हम वर्णन करेंगे, ठीक है। जैसे फ्लेजिला हो गया, आइसोपोर हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, पाइरेनोइड हो गया, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे जो एल्गी सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो ये हमारा सेल चल रहा है। अगर क्वेश्चन आता है 10 नंबर का तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 20 नंबर का तो यूकेरियोटिक सेल के बारे में जो हम मेन मेन मेजर चीज़ पढ़ेंगे वो सारी लिख देंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट आता है तो इतना बहुत सफिशियंट है, वैसे भी इसमें आपके 2 से 3 पेज भरेंगे, ठीक है। अगर आप डायग्राम भी बनाओगे, दो तो डायग्राम हो गए इसके, उसके बाद आप टेक्स्ट मटेरियल लिखोगे, 3 से 4 पेज आसानी से भर सकते हो। इसमें हमने सारी चीज़ें लिख दी, यही चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। एक ओवरव्यू वाली बात हमारी हो गई है, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लेजिला, फ्लेजिला क्या होता है, फ्लेजिला के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने प्रकार के फ्लेजिला पाए जाते हैं, फ्लेजिला का मूवमेंट कैसे होता है, फ्लेजिला का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं पहला, ठीक है। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो सेल वॉल होगा। सेल वॉल तो हमें पता है, इसे सेलुलोज की बनी होती है, फिर भी कुछ जानकारी ले लेंगे। तो ऐसे हम धीरे धीरे नीचे ऊपर से बढ़ते हुए चलेंगे अंदर तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।